फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको आधार कार्ड, आपका जो मोबाइल है, अगर इस मोबाइल से आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है या आपके पास एक लैपटॉप है, आपको लैपटॉप से आधार कार्ड डाउनलोड करना है जो पेपर आधार कार्ड है, तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी है, वो लोग बोलेगा कि ये तो सिंपल सा वीडियो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं रहता है। वो कोई भी साइबर कैफे में जाते जाके वो प्रिंट आउट निकालते हैं तो उनको पैसा ज़्यादा मतलब देना पड़ता है। तो अगर खुद से ही मतलब वो निकल सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सभी के पास मोबाइल होता है। तो अगर मेरे पास मोबाइल है, इस मोबाइल से एक आधार कार्ड को डाउनलोड करके फिर मैं प्रिंट आउट कर लूँ तो ये आपके लिए बहुत ही सही रहने वाला है, और आप भी सीख जाएंगे कि कैसे डाउनलोड करना होता है, और सिंपल तरीका है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल तरीका है। तो वीडियो को आप फर्स्ट टू लास्ट तक देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद जो सर्च बार है, सर्च बार में आपको सिंपली टाइप कर देना है uidai.gov.in। तो टाइप करके सर्च करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसमें से जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इंग्लिश करेंगे तो सही रहेगा आपको देखने में, तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। तो इंग्लिश चूज करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाता है। देखिए इस टाइप से आधार कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगा। तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। सो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा गेट अदर। तो गेट अदर के अंडर में आपको मिलेगा डाउनलोड अदर, आप देख सकते हो। तो इसी ऑप्शन में ही आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस टाइप से शो हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस टाइप से शो हो जाएगा। तो इसमें आपका आधार नंबर और जो कैप्सा डाल के फिर आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो सेंड ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इधर एंटर कर देना है। एंटर करके फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सेंड ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद ओटीपी आ चुका है, तो मैं ओटीपी को इधर एंटर कर देता हूँ। तो एंटर करने के बाद फिर लॉगिन का ऑप्शन में क्लिक कर दिया। तो क्लिक करते ही फ्रेंड्स इस टाइप से लॉगिन हो जाएगा, आप देख सकते हो लॉगिन हो गया। फिर फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिलेगा डाउनलोड अदर। इसमें तो बहुत सारा सर्विस दिया गया है, लेकिन आप फर्स्ट में ही देख सकते हो डाउनलोड अदर। तो इसी ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप से आपका डिटेल शो हो जाएगा, जैसे कि आपका फोटो, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब शो हो जाएगा। और आपको नीचे मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो डाउनलोड का ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपका जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद फिर आप डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इधर देख सकते हो ई आधार फाइल। तो इस फाइल को मैं इधर से कार्ड करके दूसरा जगह पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ओपन पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक करते ही इस टाइप से आपको पासवर्ड देने के लिए बोला जाएगा। तो आपका जो पासवर्ड है, यानी आपका नाम का जो फर्स्ट फोर लेटर और आपका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है, ईयर आप इधर एंटर करके ओके कर देंगे तो आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड इस तरीके से शो हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप एक मिनट में आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।